अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर ही उठ के सोचता है, मैं यहाँ कैसे, मुझे नशा दिया था और किन पे पानी फेंक के कहता है तुमने मुझे फंसाया है ना। वो कहती है कौन हो तुम, बट मिस्टर ही उसका गला पकड़ कहता है ये मत समझ लेना नाइट स्पेंड करने के बाद तुम मेरे क्लोज हो सकती हो, और कपड़े उतार के नहाने चला जाता है। किन बेचारी तो खुद कंफ्यूजन में थी। इनफैक्ट किन की फ्रेंड टिया ने किन को बुढ़े के साथ सुलाने का प्लान बनाया था, क्योंकि वो किन के बॉयफ्रेंड को लाइक करती है। अगर तेरे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो वो तो उससे ब्रेकअप कर लेगा। मिस्टर ही सब सुन लेता है। किन का बॉयफ्रेंड चुन आकर उसे थप्पड़ मारने लगा था तो मिस्टर ही उसका हाथ पकड़ कहता है तू मुझे बुढ़ा समझ रहा है। टिया सोचती है मैंने तो बुढ़ा भेजा था, चलो कोई नहीं चुन तो मेरा ही होगा। किन कहती है मुझे किसी ने फंसाया है, बट चुन किन से ब्रेकअप करके चला जाता है। मिस्टर ही सॉरी बोलता है कि उसने किन को गलत समझा। क्या तुम उनसे बदला लेना चाहती हो, मुझसे शादी कर लो। वो हैरान। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड लिली को बताती है कि मैंने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, अब मैं नई जॉब ढूंढूंगी। लिली कहती है तो तू मेरे घर रह लेना, तो वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे वो प्रेसिडेंट की असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, पर नर्वस थी इसलिए गेट पे खड़ी प्रैक्टिस कर रही थी। प्लीज मुझे असिस्टेंट की जॉब दे दो। मिस्टर ही कहता है कंग्रेचुलेशन तुम सिलेक्ट हो गई। किन हैरान, पता चलता है कि मिस्टर ही कंपनी का प्रेसिडेंट है, और कहता है अगर तुम चाहो तो प्रेसिडेंट की वाइफ भी बन सकती हो। किन कहती है तो मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और जाने लगी थी। वो कहता है अगर एक भी कदम बाहर रखा तो मैं तुम्हारी कोई भी जॉब लगने नहीं दूंगा, विश्वास नहीं है तो ट्राई कर लो। किन गुस्सा शांत कर वापस आती है तो कहता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करो। किन वाज लाइक पहले दिन ही असिस्टेंट को टॉर्चर कर रहे हो। मिस्टर ही कहता है तुम इससे आसान काम कर सकती हो। वो पूछती है कौन सा, तो कहता है मेरी वाइफ बनकर। इतना सारा काम करके किन थक गई थी तो लिली उसकी मसाज करने लगी थी, पर उससे गुदगुदी होती है तो दोनों गुदगुदी करने लगती। किन ने अपने डैड की सर्जरी के लिए चुन से 10 मिलियन उधार लिए थे जो उसे 2 साल में चुन को वापस करने थे। टिया कहती है तुम किन से अभी पैसे वापस ले लो। चुन कहता है कोई बात नहीं छोड़ो। कि किन को कहती है मुझे चुन ने तुमसे 10 मिलियन लेने के लिए भेजा है। किन कहती है मैंने उसे कहा था मैं 2 साल में वापस कर दूंगी, उसे अभी के अभी पैसे देने को कहती है। किन कहती है मैं तुम्हें जल्दी पैसे दे दूंगी, और जाने लगी थी बट वो उसे धक्का मार देती है। मिस्टर ही उसे गिरते हुए पकड़ लेता है। टिया कहती है सही टाइम पे आए हो, अपनी गर्लफ्रेंड को उधार चुकाओ 10 मिलियन, और सोचती है ये तो गरीब होगा, बट मिस्टर ही उसे 20 मिलियन का कार्ड देकर दफा करता है। किन कहती है थैंक यू मैं तुम्हें जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगी। मिस्टर ही कहता है तुम्हारी सैलरी सिर्फ 5000 है, तो अगर यूज ना भी किए तब भी वापस करने में 3-4 साल लगेंगे, पर मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। वो कहती है तो क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है शादी कर लो मुझसे। वो पूछती है पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। वो कहता है मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, और तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया तो ये शादी करके तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। वो कहती है ओके, बट शादी के बाद हम 1 साल बाद डिवोर्स कर लेंगे, डील। वो भी हाँ करता है। मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही वो कहता है अब तो मेरी वाइफ हो तो अपनी लिमिट्स में रहना। किन पैकिंग कर रही थी, लिली कहती है यानी तूने खुद को ऐसे भेज दिया। किन कहती है नहीं हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, वैसे भी 1 साल बाद तो डिवोर्स हो ही जाएगा। लिली पूछती है वो अमीर तो है पर क्या हैंडसम भी है। किन कहती है हाँ मीडियम सा है, और जाने लगी थी। ड्राइवर को सामान रखता देख लिली कहती है हाँ ज्यादा हैंडसम नहीं है, बट वो मिस्टर ही को देख ही नहीं पाती। किन मिस्टर ही की घर रहने आ जाती है तो पूछती है मेरा रूम कहाँ है। वो कहता है तुम्हें या तो सोफे पे सोना होगा या मेरे साथ। वो कहती है मैं सोफे पे सो जाऊंगी। किन सोफे पे सो रही थी मिस्टर ही बेड पे, पर उसे नींद नहीं आती तो वो किन को गोद में उठा के बेड पे सुला देता है। मैं गर्ल्स को अब्यूज नहीं करता। किन जाग रही थी वैसे लड़का इतना बुरा भी नहीं है। लिली कहती है स्टूपिड किन हमेशा अपना सामान भूल जाती है, और किन को देने उसकी कंपनी जाने लगी थी पर मिस्टर ही से टकरा के गिरने वाली थी तो वो पकड़ लेता है और चला जाता है। लिली कहती है ये कितना हैंडसम है, और किन को पर्स देकर पूछती है वो लड़का कौन था। किन कहती है यही तो है मेरा बॉस और हस्बैंड। लिली हैरान और शर्मा जाती है। किन पूछती है तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो कहता है कुछ नहीं, तो किन लिली के पास जाने लगी थी बट वो उसे अपनी क्लोज कर कहता है
उस लड़की से दूर रहो, उसके इरादे ठीक नहीं है। वो कहती है मुझे तो तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, बट वो उसे पकड़ के लंच पे ले जाता है। लिली मिस्टर ही के बारे में सोच के खुश हो रही थी, वो रिच एंड हैंडसम है, पर किन का हस्बैंड है? हाँ उनकी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है ना, अभी भी मेरे पास चांस है। और उनके घर आती है तो कहती है मैं तुझसे मिलने आई हूँ, कहीं वो तुझे बुली तो नहीं कर रहा? किन कहती है नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है। लिली कहती है कहीं तुझे उससे लव तो नहीं हो गया? किन कहती है नहीं तो। वो कहती है फिर तो ठीक है, मेरा मतलब तू उसके प्यार में मत पड़ जाना, वैसे भी तुम्हारा एक साल बाद डिवोर्स हो ही जाना है। लिली के पूछने पे किन बताती है कि मिस्टर ही तो कंपनी में है, तो लिली काम का बोलकर चली जाती है। बट कंपनी में मिस्टर ही के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी, मिस्टर ही मना करता है बट वो जबरदस्ती चिपट रही थी तो कहता है गेट आउट। वो कहती है मुझे पता है तुमने किन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, तो मैं तुम पे ट्राई मार सकती हूँ। वो कहता है तुम्हें पता है मैंने बाकी गर्ल्स में से सिर्फ किन को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं उससे लव करता हूँ, तो तुम उससे दूर रहो और मेरी वाइफ से भी दूर रहना, अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो शहर से बाहर फिंकवा दूंगा। लिली सैड होकर चली जाती है। चुन टिया को बताता है कि आज प्रेसिडेंट के साथ बहुत बड़ी डील है, अगर बात बन गई तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। टिया कहती है इतना टाइम हो गया प्रेसिडेंट आया क्यों नहीं, बहुत पावरफुल है क्या? तभी मिस्टर ही की एंट्री होती है, तो कहती है मुंह उठाकर कहाँ चले आ रहे हो, यहाँ तुम जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। वो कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, ये रहा मेरा कार्ड। चुन कहता है प्रेसिडेंट मिस्टर ही प्लीज रुकिए, टिया को पता नहीं था कि आप प्रेसिडेंट हो, आइए बैठकर बात करें, और चीयर्स का ड्रिंक करने को कहता है। मिस्टर ही चुप था तो कहता है पनिशमेंट में मैं खुद ही पी लेता हूँ, और टिया को भी इशारा करता है तो वो सॉरी बोलकर ड्रिंक करने लगती है। किन वहाँ आती है तो वो हैरान, टिया कहती है चलो ड्रिंक करें हम फ्रेंड्स हैं ना, और किन को ड्रिंक करा देती है। मिस्टर ही उसे रोक के खुद पी लेता है। टिया कहती है मैंने पहले भी तुझसे तेरा बॉयफ्रेंड छीना है, तो दोबारा हस्बैंड छीनना कौन सा मुश्किल है, और ड्रिंक में नशा मिलाकर कहती है सॉरी मिस्टर ही मेरी तरफ से ड्रिंक कर लो। वो नहीं करता तो किन कहती है ये ड्राइव करेगा मैं पी लेती हूँ, और खुद वो ड्रिंक कर जाती है। तो कहती है मिस्टर ही चलो घर, बट खड़े होते ही उसे चक्कर आने लगे थे और भुड़कने वाली थी। मिस्टर ही उसे पकड़ लेता है और कंधे पे लात कर ले जाता है, तो बेड पे लिटा कर जाने लगा था बट वो उसे पकड़ के करीब कर लेती है, तो कहता है याद रखना तुमने स्टार्ट किया है, और उसे किस करने लगा था। मॉर्निंग में किन नींद में उसके ऊपर हाथ रख लेती है, ये क्या है? वो कहता है तुम फिर से वो करना चाहती हो? किन कहती है क्या हमने फिर से साथ में नाइट स्पेंड की? मिस्टर ही कहता है तुमने ही पहले स्टार्ट किया था तो मैं तुम्हें मना नहीं कर पाया। किन शर्म के मारे ब्लैंकेट में अपनी मुंडी घुसा लेती है। वो कहता है बस बस अब बाहर भी निकलो, अंदर दम मत घोट लेना। वो कहती है पहले तुम बाहर जाओ मुझे चेंज करने हैं। वो हाँ करता है बट जैसे वो ब्लैंकेट उखाड़ती है मिस्टर उसके क्लोज था, वो नर्वस होती है बट वो उसे किस करने लगता है। किन शर्मा रही थी, वो कपड़े बदलता हुआ कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ तुम कुछ दिनों के लिए घर पे रेस्ट करो। किन हाँ करती है तो मिस्टर ही उसके फोरहेड पे किस करता है और चला जाता है। किन खुश होती है पर सोचती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं मिस्टर ही से लव नहीं करती, हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जब वो उठने लगी थी तो उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, फिर ब्रश करते हुए उसे उल्टी जैसा लगने लगता है, तो कहती है मुझे क्या हो गया कि खाली पेट गैस बन रहा है या फिर। तभी टिया किन को फोन कर बुलाती है। किन कहती है तूने ड्रिंक में नशा मिलाया था ना, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है तो सिर्फ मेरे साथ मुकाबला कर, दूसरों को परेशान क्यों करती है, तूने नशा मेरे हस्बैंड के लिए मिलाया था ना। टिया कहती है हाँ क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। किन कहती है हमारी शादी टेम्पररी है तो एक साल बाद डिवोर्स हो जाएगा, इसलिए मिस्टर ही को हर्ट करना बंद कर, अगर तू उसे सच में लाइक करती है तो खुद उसके लिए फाइट कर, अगर वो तुझे लाइक करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर ही सोचता है इसे क्या लगता है ये मुझे किसी को भी दे सकती है, तो ठीक है मैं भी रेडी हूँ, और कहता है मेरी वाइफ मुझे इसके क्लोज करना चाहती है तो हुक्म सर आँखों पर, और टिया के कंधे पे हाथ रख लेता है। टिया खुश हो रही थी तो क्या किन सच में प्रेग्नेंट है, और जब मिस्टर ही को पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। किन कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं होना देना चाहती। मिस्टर ही कहता है तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, गेट लॉस्ट। तो किन सैड होकर चली जाती है। मिस्टर ही टिया से हाथ हटाकर साफ कर लेता है और कहता है तुम भी गेट लॉस्ट। किन सोचती है सैड होने की क्या जरूरत है, बाद में डिवोर्स तो हो ही जाना है, और उसे उल्टी आने लगी थी। टिया कहती है लगता है ये प्रेग्नेंट है, पर मैं ऐसे इस बच्चे को जन्म नहीं देने दूंगी, वरना मिस्टर ही को पटाने का मेरा चांस नहीं बचेगा। और चुन से कहती है
मैंने तुम्हें झूठ बोला था, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने पिछली बार किन की ड्रिंक में नशा मिला दिया था। वो कहता है अब क्या फायदा, वो शादीशुदा है। टिया कहती है नहीं, उसके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और किन तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है। चुन हैरान और किन को पकड़ पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो मना करती है तो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहता है। किन डरते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़ती है और सोचती है क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, पर एक साल बाद तो डाइवोर्स करना पड़ेगा, प्लीज टेस्ट पॉजिटिव मत आना। बट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके फेस पे 12 बजे देख चुन रिजल्ट पूछता है और उसके हाथों से प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेता है। किन सोचती है ये नहीं हो सकता, बट चुन खुशी के मारे उसे गोद में उठा लेता है। ये मैं डैड बनने वाला हूँ। मिस्टर ही ये देख गुस्से में और चला जाता है। किन कहती है ये क्या बक रहे हो, हमने तो कभी कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं। चुन उसके बेबी को हाथ लगाने लगा था तो वो हाथ हटाकर कहती है ये तुम्हारा बेबी नहीं है। चुन कहता है मैंने तो किया था, और उसे याद आता है कि उसने किन के साथ नहीं टिया के साथ लव मेकिंग की थी। किन कहती है टिया के साथ रहकर तुम मेरे बेबी के डैड बनना चाहते हो, तुम इसके लायक नहीं हो, और चली जाती है। तो सोचती है मैं मिस्टर ही को बेबी के बारे में बताऊं या ना, शायद उसे तो ये बेबी चाहिए नहीं होगा। मिस्टर ही गुस्से से आता है और जोर से किन को थपड़ा लगा देता है। क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है, वो सोचती है इसे बच्चा नहीं चाहिए तो मैं इसे क्यों बताऊं, और मना कर देती है तो वो गुस्से से चला जाता है। किन अंदर बेड पे सो रही थी तो आकर कहता है उठो निकलो इस रूम से। वो कहती है तुमने तो कहा था मैं रूम में सो सकती हूँ। वो कहता है आगे से मेरे रूम में मत घुसना, तो वो बाहर चली जाती है। इसे क्या हुआ, सारे सीईओ ऐसे खड़ूस होते हैं। मिस्टर ही को नींद नहीं आ रही थी तो सोचता है अगर किन उस बच्चे को छोड़ दे तो हम साथ रह सकते हैं, और खुश होकर कहने चाहता है। बट किन बोल रही थी बेबी चाहे कुछ भी हो जाए, सब तुमसे नफरत करें, पर मम्मी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मिस्टर ही कहता है यानी तुम्हें बस इस बच्चे की परवाह है, और गुस्से से घर से चला जाता है। फिर वो बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था और किन के साथ रोमांटिक मोमेंट्स याद कर खुश होता है, पर बेबी के याद कर गुस्सा कि किन उससे ज्यादा उस बेबी को लव करती है। टिया उसे देख लेती है तो कहती है चलो मैं तुम्हें होटल रूम में छोड़ दूं। मिस्टर ही को टिया की जगह किन दिखाई दे रही थी तो वो हाँ कर देता है। टिया उसे बेड पे लेटा कर शर्ट के बटन खोलने लगी थी तो वो उसे दूर कर कहता है दूर हटो मुझसे, किन के अलावा मुझे कोई टच नहीं कर सकता। टिया कहती है देखो तो सही उस किन का कितना वफादार है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर ही नींद में किन का नाम बड़बड़ा रहा था। किन घर पे वेट कर रही थी कि मिस्टर ही अभी तक आया क्यों नहीं, कितनी रात हो गई, और उसे कॉल करती है मिस्टर ही तुम कहाँ हो। टिया कहती है मिस्टर ही नहा रहा है। शौक से किन के हाथ से फोन छूट जाता है तो सोचती है नहीं वो ऑफिस का काम कर रहे होंगे, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। पर उसे नींद नहीं आ रही थी, रात के 3 बज गए थे। तभी टिया उसे होटल रूम का एड्रेस भेजती है तो किन भागती है। इधर टिया उस रूम में हर जगह कपड़े फैला देती है और अपने गर्दन पे लिपस्टिक लगाकर फेक हिकी का निशान बना रही थी। किन होटल रूम पे नॉक करती है तो टिया अंदर से गेट खोलती है, वहाँ पर कपड़े बिखरे और मिस्टर ही का देख किन चली जाती है। बट टिया सारे कपड़े समेट देती है और मिस्टर ही की आधी उतरी शर्ट के वापस बटन लगाकर चली जाती है। किन सोचती है मुझे घुटन सी क्यों हो रही है, मिस्टर ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और अपने कपड़े पैक करके चली जाती है। मिस्टर ही की आईज खुलती है, कौन मुझे होटल रूम में छोड़ने आया था, और घर आके देखता है डाइवोर्स पेपर, क्या वो उस चुन के साथ भाग गई, और गार्ड्स को किन को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। वो बताते हैं कि किन फॉरेन जा रही है तो मिस्टर ही भागता है और एयरपोर्ट पे किन को ढूंढ रहा था। उसी के पीछे खड़ी किन कहती है मैं और मेरा बेबी यहाँ से नहीं जाना चाहते, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तभी मिस्टर ही किन का हाथ पकड़ के उसे पूरी को ही कंधे पर टांग कर ले जाने लगता है। किन छोड़ने को कहती है तो कहता है अगर जरा से भी आवाज की तो मैं अभी कभी तुम्हें किस कर दूंगा। किन शर्माती हुई अपना मुंह बंद कर लेती है तो वो उसे घर ले जाकर बेड पे पटक देता है और उसके ऊपर चढ़ गया था। किन मना करती है तो कहता है एक वाइफ को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, और क्लोज होने लगा था। वो कहती है मुझे तुमसे नफरत करने के लिए मजबूर मत करो। बट मिस्टर ही उसे किस करने लगा था जबकि किन के आंसू निकल रहे थे। फिर वो कहती है बेबी मैं बहुत थक गई हूँ, और उसका ब्लड निकल रहा था। मिस्टर ही डाइवोर्स पेपर फाड़ देता है पर ब्लड देख डॉक्टर को बुलाता है। चेकअप करके डॉक्टर बताती है कि शुक्र है सही टाइम पर मुझे बुला लिया, वरना बेबी की जान को खतरा हो सकता था। आपकी वाइफ 1 महीने से प्रेग्नेंट है तो बेबी अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए प्लीज ज्यादा फिजिकल कॉन्टेक्ट मत करिए। मिस्टर ही को याद आता है कि 1 महीने पहले ही तो
वो दोनों का वन नाइट स्टैंड हुआ था, यानी ये बेबी मेरा है। और चुन से जाकर पूछता है, तुझे मैं ये डील दे दूंगा, पर ये क्वेश्चन का सच सच आंसर देना, क्या किन का बेबी तेरा है? चुन कहता है, नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी किन के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट किया ही नहीं। तो मिस्टर ही उसे वो डील दे देता है और किन को कहता है, स्टूपिड, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये बेबी हमारा है। किन की आईज खुलती है तो कहती है, तुम कौन हो? वो कहता है, ड्रामा बंद करो, मुझे सब सच पता चल गया। पर किन तो उसे सच में पहचान ही नहीं पा रही थी, तो कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। डॉक्टर बताती है कि ब्लड लॉस होने से किन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, टेम्पररी है, तो ठीक हो जाएगी। किन कहती है, मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मैं इससे शादी क्यों करूंगी? मिस्टर ही कहता है, तुम्हारा सिर्फ एक हस्बैंड है और वो हूँ मैं। और उसे किस करने लगता है। किन को मिस्टर ही के साथ वाले मोमेंट्स याद आते हैं, तो उसे दूर करती है क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। तो पूछती है, क्या हम दोनों बहुत क्लोज थे? मिस्टर ही कहता है, ऐसा करते हैं, फिर से ट्राई करें, क्या पता तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। वो कहती है, और तुम्हें मुझे टॉर्चर करने का तरीका मिल गया। मिस्टर ही हाँ करके उसे किस करने लगा था, पर फिर दूर हो कहता है, हमें रुक जाना चाहिए, डॉक्टर ने मना किया है, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं अभी नहा कर आया। किन हैरानी से कहती है, व्हाट, मैं प्रेग्नेंट हूँ? और देखती है नीचे पेपर्स के टुकड़े पड़े हैं, तू उन्हें रख के जोड़ने लगती है। अंदर मिस्टर ही नहा रहा था, पेपर्स पे डाइवोर्स लिखा देख किन के सर में दर्द होने लगता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो मिस्टर ही से कहती है, तुम तो मुझसे डाइवोर्स करना चाहते हो ना? वो कहता है, नहीं, हम इस जन्म में तो कभी डाइवोर्स नहीं करेंगे। वो कहती है, पर हमने एक साल बाद डाइवोर्स करने का कहा था। मिस्टर ही हंस के कहता है, पर मुझे तो कुछ याद नहीं है। किन खुश होती है पर कहती है, तुम्हारी ऑलरेडी बाहर वाली है तो हम साथ नहीं हो सकते। वो कहता है, बाहर वाली कौन और कब? किन कहती है, मैंने होटल रूम में तुम्हें टिया के साथ देखा था। मिस्टर ही कहता है, तो वो मुझे छोड़ने आई थी, जरूर उसका कोई प्लान होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई बाहर वाली नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। किन खुश होती है पर गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। तो वो उसे किस कर कहता है, तुम और हमारा बेबी इस लाइफ में तो कभी मुझसे दूर नहीं जा सकते। और उसके मुंडी पकड़ किस करने लगता है। किन सो रही थी तो वो उसे उठाने आता है, सहलाता है, बट वो मुंह फेर के सो जाती है। तो मिस्टर ही उसके लिए सूप बना कर लाया था और उसे प्यार से फूंक मार कर अपने हाथों से खिलाता है। किन कहती है, हबी, मैं इस दुनिया की सबसे लकी वाइफ हूँ। मिस्टर ही उसे आई लव यू बोलता है तो वो भी आई लव यू टू बोलती है। वो कहता है, छी, बदबू आ रही है, तुमने ब्रश नहीं किया। किन उसे मारने लगती है तो वो उसकी गुदगुदी करने लगा था और दोनों में क्यूट सी पिलो फाइट होने लगती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।